आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि लो बजट में आप किस तरह से ब्यूटी सलोन खोल सकते हो और साथ ही सीक्रेट रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विस के बारे में बताऊंगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आपका सलोन जो है पैसे कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है, आप इनकम जनरेट कर सकते हो। मेरा नाम है सहवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि लो बजट में आप ब्यूटी सलोन कैसे ओपन कर सकते हो। देखो, अगर आपको लो बजट में ब्यूटी सलोन ओपन करना है तो सबसे पहली चीज आपके अपने माइंड में ये सेट करना है कि आपको कम एरिया में सलोन खोलना है, छोटे एरिया में, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे खर्चे को लेके। जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा खर्चे होंगे, जितना छोटा एरिया होगा उतने कम खर्चे होंगे। तो अगर बजट टाइट है, ठीक है, हमारा बजट ज्यादा नहीं है, तो हमें हमारी सबसे जो बड़ी अकलमंदी होगी वो ये होगी कि हम एक छोटे एरिया में सलोन खोलें। एटलीस्ट शुरुआत तो हो जाएगी ना, बिगनिंग तो कर देंगे तो कोई बात नहीं, छोटा है तो आगे जाके हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमेशा अगर हम छोटे से बड़ा करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। अगर हम पहली बार में ही सोचेंगे हमको बड़ा सलोन खोलना है, हम ओवर बजट चले जाएंगे, तो हमारे फेल होने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, रिस्की होता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अपने बजट में काम करना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, यही एडवाइस करूंगी कि आप कम एरिया से शुरुआत करो, ठीक है। अब कम एरिया से अपना शुरुआत, सैलून की शुरुआत करने का जो फायदा है वो ये है, नंबर वन, कि आपका अगर एरिया छोटा होगा तो सैलून बनवाने में आपके कम पैसे खर्च होंगे, ठीक है, यहां बचत हो जाएगी। सेकेंड, अगर आपका एरिया छोटा होगा तो आपका फर्नीचर लेने में आपके कम पैसे लगेंगे। जाहिर है, अगर आप सोच रहे थे कि आप चार चेयर्स रखोगे तो अगर छोटा एरिया होगा तो या तो एक चेयर आएगी, दो चेयर आएंगी, है ना, तो उस तरह से आपका जो फर्नीचर होगा वो भी आप कम परचेज करोगे तो वहां पे भी आपके पैसे बच जाएंगे। तीसरा, जितना बड़ा एरिया होगा फिर उसमें लाइट्स भी ज्यादा लगेंगी, बिजली का काम भी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। छोटा एरिया होगा तो हम अपने बिजली के बिल में भी जो है बचत कर सकते हैं, और अगर छोटा एरिया होगा तो हम स्टाफ भी कम हायर करेंगे। तो ये सारे फायदे हैं अगर हम एक छोटे एरिया से अपने सलोन की शुरुआत कर सकते हैं। सो ये एक की पॉइंट है जो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि अगर आपका बजट टाइट है तो आपको कम एरिया से, छोटे एरिया से अपने सलोन की शुरुआत करनी है। तो हो गया नंबर वन। दूसरा, अगर आप अभी भी और भी अपने पैसे बचाना चाहते हो तो एक चीज आप और कर सकते हो, अगर आपकी जगह खुद की हो और आप सलोन खोलो तो वहां और आपके पैसे बच सकते हैं, ठीक है, या तो एक, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है आपके घर में, या आपके पास ऐसी कोई शॉप नहीं है जो आपकी खुद की हो, आपको रेंट पे ही लेनी होगी, तो मैं आपको फिर एडवाइस करूंगी कि आप ऐसा एरिया ढूंढिए जहां पे कम पैसों में आपको रेंट पे जगह मिल जाए, वहां पर भी आपका जो है आपके बजट में काम हो सकता है। क्योंकि रेंट, अगेन, जो है रेंट पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, हम ओवर बजट चले जाते हैं, तो या तो खुद की जगह हो या फिर ऐसे मार्केट में, ऐसे एरिया में, ऐसी कॉलोनी में आप सैलून लो जहां पे प्राइसेस रेंट के कम हो, जहां जो आपके बजट में आता हो। तो बस यही दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है और कम बजट से आप अपने सैलून की शुरुआत कर सकते हो। तो ये तो हो गया पार्ट वन, जो मैंने आपको बोला था कि लो बजट में आप कैसे सैलून खोल सकते हैं। अब आते हैं पार्ट टू। पार्ट टू मैंने आपको बोला था कि वो कौन सी सीक्रेट रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विस है जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपने सैलून में पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास तीन क्लाइंट आए, तीनों क्लाइंट बहुत खुश होके गए और बहुत सेटिस्फाइड थे और बहुत उन्होंने आपकी तारीफ करी कि आपके जो सैलून सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हैं। तो पहला क्लाइंट आया था जो ब्यूटी सर्विसेज लेके गया, जिसने फेशियल कराया और वैक्सिंग कराई, एक क्लाइंट ये काम करा के गया। दूसरा क्लाइंट आया जिसने मेकअप कराया आपके सैलून में और वो मेकअप से खुश होके गया। एक तीसरा क्लाइंट आया जिसने आपके सैलून से हेयर सर्विसेज ली, यानी उसने स्ट्रेटनिंग ली आपके बालों से और वो भी खुश होके गया। तो खुश तो सब होके गए, लेकिन इन तीनों में से कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो हमें इंस्टेंट और क्लाइंट्स दे सकता है? तो जो ब्यूटी सर्विसेज जिन्होंने ली हैं वो खुश होकर गए हैं, तो वो डेफिनेटली रिपीट होंगे, पर एक महीने के बाद रिपीट हो, दो महीने के बाद रिपीट हो, पता नहीं, पर रिपीट होंगे। तो एक दो महीने का गैप आ गया, है ना,
और जिन्होंने मेकअप सर्विसेज ली होंगी, अगर वो फंक्शन में जाएंगे तो लोग वहां उनका मेकअप देखेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे जब उनका लोगों को मेकअप पसंद आएगा तो वहां से आपको दूसरे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेकअप भी एक ऐसी सर्विस है जहां से हमको इंस्टेंट क्लाइंट मिल सकता है। बस शर्त यह है कि सीजन होना चाहिए, शादियां होनी चाहिए, साया होना चाहिए, तो हमको वहां पे तुरंत जो है हमें क्लाइंट मिल सकते हैं अगर आपने मेकअप अच्छा किया है। बट हेयर सर्विसेज इज द सीक्रेट रेवेन्यू सर्विसेज, जहां से हमको इंस्टेंट क्लाइंट मिलते हैं और खूब सारा पैसा जो है हम जनरेट कर सकते हैं। और हम उल्टा करते हैं, हम ज्यादा ध्यान या तो मेकअप पे देते हैं या ब्यूटी सर्विसेज पे देते हैं, हम हेयर को इग्नोर कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा पैसा आपको पता है हेयर सर्विसेज में है। अब कैसे है वो सुनिए। जैसे कोई क्लाइंट आया, उसने स्ट्रेटनिंग कराई, ठीक है, तो उसने स्ट्रेटनिंग कराई तो उसका वो बदलाव उसके अंदर दिखाई देगा ना। तो जब वो घर जाएगी क्लाइंट, या अपने फ्रेंड्स से मिलने जाएगी, या किसी फंक्शन में जाएगी, लोग ऑब्जर्व करेंगे, अरे वाह उसने स्ट्रेटनिंग कराई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो वहां से फौरन लोगों का क्वेश्चन होगा कहां से कराया। जैसे लोग पूछेंगे ना कहां से कराया, तो आपके सलोन का नाम होगा और वहीं से आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूं कि हेयर सर्विसेज से आपको इंस्टेंट क्लाइंट मिल जाता है, क्योंकि जो हेयर सर्विसेज हैं वो 365 डेज जो है लोग उनको अवेल करते हैं। मेकअप सर्विसेज सिर्फ सीजनल में अवेल करते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज होनी तो सारी ही बहुत अच्छी चाहिए, पर इंस्टेंट जो हमको बिजनेस मिलता है, इंस्टेंट जो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हम मोटा पैसा कमा सकते हैं, वो हम कमा सकते हैं हेयर सर्विसेज से। तो इतना सबको समझाने का मतलब आपको सिर्फ ये है कि हेयर पे ध्यान दीजिए, अपने हेयर को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपका हेयर गेम बहुत अच्छा होगा ना, तो आपका पूरा ही गेम जो है वो चेंज हो जाएगा, आप खूब पैसा कमा सकते हो, क्योंकि केमिकल सर्विसेज में, हेयर केमिकल सर्विसेज में भी बहुत मोटा पैसा होता है, स्ट्रेटनिंग में, रिबॉन्डिंग में, स्मूदनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट्स, इसमें बहुत मोटा पैसा होता है। अगर आपका हेयर स्ट्रांग होगा तो फॉर श्योर आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। सो बस यही आज आपको समझाना था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।